मामा ये क्या हो गया आपके चेहरे को? क्या हो गया? पूरा रेड रेड कलर हो गया है। इसीलिए इचिंग हो रही है, देख के आती हूँ मैं। ठीक है ठीक है, जाओ देखकर आओ, जाओ देखो क्या हो गया। फ्रेंड्स क्या आपको भी जानना है कि मम्मी का चेहरा ऐसा क्यों हो गया? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बहुत मजे आने हैं मेरे। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पापा पेस खत्म हो गया, पापा बाजार जा रहे हैं, बोलो पापा एक पेस्ट ले आए। पेस्ट खत्म हो गया है? अरे मैं तो सुबह ही ब्रश की थी, है इतना लेकर आओ। नहीं है। हाँ लेकर आओ। ठीक है आप ही कीजिए, लाई ये लो आप ही निकालो। हाँ सीजर लो, सीजर सीजर ला रही हूँ, लो इतना सारा है देखो। ब्रश दे, ब्रश लो, देखो है ना। और 2 दिन चलेगा इसमें, हमेशा नया ले आओ बस। दो दिन चलेगा, देखो पीछे रख देती हूँ, ऐसे ही इसे ही लेके रखो। सच में 2 दिन चलेगा? 4 लोग हैं हमारे घर में। ये लो खा लो, ये लो खा लो। 2 ही है? 2 ही है? नहीं 2 ही दिया हूँ, एक तुम्हारा एक भैया का। 2 है उसमें भी, एक मेरा एक भैया का। ले खा ले, एक बादाम, एक बादाम। दिमाग तेज होता है बादाम खाने से। बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, एक खाने से दिमाग तेज नहीं होता। खाने के लिए कुछ ला दो। क्या बिस्किट खाओगे? हाँ ये लो, एक पैकेट। इसमें से एक खाना है कि 2 खाना है? पूरा खा लो। पूरा? हाँ। मम्मा का को आज क्या हो गया? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन पूरा पैकेट कैसे? क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट कल ही खत्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी खा लो। एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। खा लो बेटा, कुछ नहीं होगा, एक दिन तो है ना। नहीं नहीं एक दिन हुए, फिर भी मैं चांस नहीं ले सकती। नहीं नहीं खा लो खा लो, कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं नहीं खाऊंगी। ये देखो मैं खाती हूँ, कुछ नहीं होगा। ठीक है खाओ। बहुत बेकार में ऐसे एक्सपायरी डेट लिख देते हैं, कुछ नहीं हो जाएगा, खा लो। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप ही खाओ। खा लो देखो मेरा कुछ हुआ? अगर होगा तो कुछ नहीं होगा, खा लो। ठीक है खा लेती हूँ। पक्का कल ही है ना? कल ही है। कुछ हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, आगे का पता नहीं। कुछ नहीं होता है ऐसे ही। क्या कर रही हो बेटा? मैं मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। क्या कर रही है ये? इतना दूर दूर लिख रहे हो, कितना स्पेस है इधर? थोड़ा तो पास पास लिखो ना बेटा, नहीं तो जल्दी बुक खत्म हो जाएगा, फिर से खत्म खरीदना पड़ेगा। मम्मा ये मैथ्स है और मैम हमेशा बोलती है कि क्लियरली लिखो, इसलिए मैं थोड़ा छोड़ छोड़ कर लिख रही हूँ ताकि मैम को समझ आए कि मैं क्या कर रही हूँ। बुक खरीदने के लिए मैम पैसा देती है कि मैं देती हूँ? ऐसे नहीं करते, ऊपर से लाइट फैन सब चालू है, मुझे गर्मी लग रही है। अरे ये खिड़की और दरवाजा क्यों है? देखो ना बेटा, दरवाजा खुला करने से कितना ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और
लाइट भी है, क्या जरूरत है लाइट और फैन ऑन करने के लिए, बेकार में बिल आएगा ज्यादा। मामा, मामा ये आपका फेस को क्या हो गया? क्या हो गया है? क्या हो गया? थोड़ा इचिंग भी हो रही है। नहीं, कुछ पूरा लाल हो गया है। कुछ हुआ है क्या? हाँ, पूरा रेड रेड कलर हो गया है। कहाँ? आपको ना पूरे फेस पे। पूरे फेस पे? हाँ, इसीलिए सुबह से इचिंग इचिंग हो रही है। मैं जाके देखती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ। बस ये तो क्रीम लगाई थी, क्या पता नहीं क्या हो गया। नहाने के बाद तो यही दो क्रीम लगाई थी, पता नहीं क्या हो गया, अब तो बताना पड़ेगा। मामा ऐसा क्या लगाया कि मुंह में ऐसा हो गया? कुछ नहीं लगाई। फिर ऐसे कैसे हो गया अपने आप? कुछ भी नहीं लगाई। क्या छिपा रही हो? कुछ नहीं। दिखाओ तो, दिखाओ। बस यही लगाई थी। अच्छा, ये वाला क्रीम लगाया था आपने? मैं भी तो देखूं कैसा क्रीम है ये। मामा इसका तो एक्सपायरी डेट 2 महीने पहले खत्म हो गया है। तो क्रीम नहीं खत्म हुआ था ना? लेकिन एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद कोई भी चीज यूज नहीं करते। ऐसा है क्या? हाँ, पापा ने भी कितनी बार बोला है, मैंने भी कितनी बार बोला है, पर मैंने सोचा चलो क्या होगा, यूज कर लेते हैं, इसलिए यूज कर ली। बचत की भी हद होती है मामा। अभी देखा ना ज्यादा बचत करने का नतीजा। अब क्या करना पड़ेगा? अभी हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। नहीं, देखा ना ज्यादा बचत करने का नतीजा, अभी ज्यादा खर्चा होगा। सॉरी बेटा, आज से कभी नहीं होगा। एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद कोई भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। ओके? अच्छा हुआ कि आपको सबक मिल गया। सॉरी, इट्स ओके। बाय बाय फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स।